वीडियो देख रहे सभी दर्शकों को मेरा जोहार। आज का यह वीडियो झारखंड में रहने वाले खासकर विद्यार्थी लोग जो किसी काम से एक दिन के लिए रांची आते हैं उनके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग गूगल में भी सर्च करते हैं या यूट्यूब में भी सर्च करते हैं कि क्या कहीं रांची में फ्री में हम एक रात गुजार सकते हैं, क्या हमको एक रात गुजारने के लिए एक कमरा या एक बेड मिल सकता है। तो जी हाँ, अब ये पॉसिबल है, क्योंकि रांची में नगर निगम द्वारा आश्रय गृह बनाया गया है जहां बाहर से आए लोगों को अगर वो एक रात गुजारना चाहते हैं तो मुफ्त में वहां पर ठहरने की व्यवस्था की गई है। जैसे अभी रांची में काफी ठंडी है, तो ठंड के दिनों में जब आप रुकेंगे तो आपको बिस्तर के साथ कंबल तकिया सारी चीजें आपको मुहैया कराई जाती है। तो जैसा कि आज के पेपर में भी इस आश्रय गृह को लेके पब्लिकेशन हुआ था, तो अभी जो ये आप वीडियो देख रहे हैं ये मैं पहले ही बना चुका हूँ। मैंने इससे पहले भी अपने YouTube चैनल में आपको दिखाया था कि किस प्रकार आप रांची नगर निगम द्वारा बनाए गए इस आश्रय गृह का लाभ ले सकते हैं और मुफ्त में यहाँ ठहर सकते हैं। आश्रय गृह रांची में करीब 10 आश्रय गृह रांची नगर निगम द्वारा बनाए गए हैं। आपको साइड में पेपर का कटिंग दे देते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि रांची में कहाँ कहाँ आश्रय गृह है। कांटा टोली स्थित बस स्टैंड में आपको सबसे बड़ा आश्रय गृह देखने को मिलेगा, जहां पुरुषों के लिए 50 बेड की सुविधा है और महिलाओं के लिए 49 बेड की सुविधा दी गई है। पर भी लिखा हुआ है, देखिए यहां एक रूम है, रूम में आपको जो मिलता है वो है बेड मिलेगा, गद्दा मिलेगा, चादर मिलेगा, तकिया मिलेगा, सारी सुविधाएं हैं, पानी वगैरह सारी सुविधाएं हैं। और देखिए बेड कितना साफ सुथरा है, अगर आप इसका नीचे का जमीन देखेंगे, एक बार जमीन दिखाइए आप, देखिए बिल्कुल पोछा वगैरह करके रखा गया, ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है कि अगर मुफ्त में उनको मिल रहा है तो सब चीज खराब होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप देखिएगा इसको तो बिल्कुल साफ सारे बेड है, एक बार अंदर आप दिखा देंगे बेड, और यहाँ सभी लोग आराम कर रहे हैं। उड़ीसा से आए हैं, स्टूडेंट है, तो यहाँ आप कब आए? कल से। तो बिल्कुल आपको मुफ्त में यहाँ मिला है। हाँ। और यहाँ का व्यवस्था कैसा लगा? अच्छा है, सारा चीज अच्छा है, सोने में चादर वगैरह दिया गया, बाथरूम सब साथ मिला आपका? दोनों सेपरेट है, अलग अलग दोनों को रखा गया है सुरक्षा कोण की दृष्टि से, साथ ही दोनों में आपको गार्ड भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप के पास बाहर का आधार कार्ड है, यानी आपका पहचान पत्र है जो रांची का नहीं रांची के बाहर का होना चाहिए, तो वैसे लोग को यहाँ पे रात भर रुकने के लिए व्यवस्था दी जाती है। यहाँ की जो सुविधा है वो अच्छी रहती है, आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने रांची के कांटा टोली बस स्टैंड स्थित जो आश्रय गृह है उनका वीडियो बनाया था और आप लोग को पहले भी दिखा चुके हैं कि किस तरह यहाँ पे सर्विस दी जाती है, जहाँ पे आपको साफ सुथरे बिस्तर, कंबल, तकिए आदि आपको मिल जाते हैं। ये उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो लोग स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट लोग को बहुत सारे काम या एग्जाम वगैरह देने वो लोग दूर से आते हैं रांची में, उनको एक दिन रुकना होता है, एक रात गुजारना होता है और उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। ऐसे लोग रांची नगर निगम द्वारा ये जो आश्रय गृह है यहाँ पे ठहर सकते हैं। तो आपको बताते हैं कि ये आश्रय गृह रांची में कहाँ कहाँ है। रांची में 10 जगह आश्रय गृह बनाए गए हैं, जिसमें खादगाड़ा बस स्टैंड में महिला पुरुषों दोनों के लिए है। इसके अलावा धुरवा बस स्टैंड में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ 16 बेड का आश्रय गृह बनाया गया है। इसके अलावा एजी मोड़ में आपको डोरंडा में देखने को मिलेगा, जहाँ 10 बेड का है। मधुकम चूना भट्टा में 16 बेड का आश्रय गृह बनाया गया है। रिम्स परिसर में 19 बेड का आपको देखने को मिलेगा। बकरी बाजार में 10 बेड का, करबल्ला चौक, जगन्नाथपुर मंदिर और ITI बस स्टैंड में आपको आश्रय गृह मिल जाएंगे, जहाँ 10 बेड के आश्रय गृह बनाए गए हैं। सबसे बड़ा जो आश्रय गृह है वो कांटा टोली बस स्टैंड में ही बनाए गए हैं। और रांची नगर निगम द्वारा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। वो टोल फ्री नंबर इसलिए जारी किया है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आश्रय गृह का लाभ उठा सके और इस ठंड भरी रात में उनको पैसे, वजह या और भी कोई कारण से अगर रात सड़कों पर गुजारनी पड़ रही है तो वह नहीं गुजारना पड़े और वह आश्रय गृह का लाभ ले। तो ये वीडियो कैसा लगा, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये आप वीडियो दूसरे दर्शक तक पहुँचाएं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।